तो ये उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जनता के हित की बात होना चाहिए, बात होना चाहिए जो दिल्ली पश्चिमी जो जनता है उन्होंने हंस राज को चुना था, तो किसी मुद्दा को लेकर चुना था, लेकिन उस मुद्दा पे क्या खड़े उतर पाए? बिल्कुल नहीं खड़े उतर पाए। अगर उदित राज जी सांसद न होते हुए भी अगर वो उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जनता के बीच में खड़े रहे 5 साल, तो उससे बड़ी उपलब्धि किसी नेता के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए यह लड़ाई उत्तर पश्चिमी दिल्ली में उदित राज बनाम हंस राज, ये लड़ाई है आम आदमी बनाम पैराशूट से आने वाले नेता की। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हंस राज जब 2019 में आए थे तो उनको पैराशूट मुंबई से यहाँ ला दिया गया था, लेकिन उस समय दिल्ली की जनता ने उम्मीद जताया था कि मुंबई का जो टेक्निक है वो उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अंदर भी उम्मीद जगेगा, लेकिन उन्होंने अपना मुंबई को घर मान रखा और मुंबई में ही रहते हैं, दिल्ली की जनता को एक बार भी झांकने के लिए नहीं आते हैं। दूसरी तरफ उदित राज जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए जब भी उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जनता को कोई दिक्कत होता है तो सांसद की जगह उदित राज के पास जाते हैं और उसका समाधान मिलता है वहां से। इसलिए ये लड़ाई उदित राज बनाम हंस राज की है, और ये लड़ाई आज इतनी बड़ी है कि आज आपको ये भीड़ दिखाएगा कि उदित राज जी के साथ कितने लोग हैं। आज ये भीड़ दिखाएगा जो केजरीवाल जी का और राहुल गांधी जी का मिशन है वो उदित राज अपने कंधे पर ले जाकर इसको सफल बनाने का काम करेंगे। उदित राज को इस बार जीत मिलने वाली है, जनता का प्यार है। जीत ही नहीं, प्रखंड जीत मिलेगी मैं कहना चाहता हूँ, और जीत ऐसी प्रखंड जीत मिलेगी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और एक बार और कहना चाहता हूँ, उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जनता उम्मीद लगा रखी है कि अगर उदित राज जीतते हैं तो इंडिया गठबंधन जीतेगा, और इंडिया गठबंधन जीतेगा तो ये तय है कि उदित राज मंत्री होंगे, और मंत्री बनेंगे तो कायाकल्प अगर किसी क्षेत्र का सबसे ज़्यादा होगा दिल्ली में तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली का होगा और उसकी जनता का होगा। अच्छा, मोदी जी जो है जनता को ईश्वर का रूप बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो पुजारी हूँ, ईश्वर का रूप मानता हूँ, उनको तो लग रहा है ईश्वर का रूप मान रहे हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक सवाल कर दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, आप जैसे लोग हैं जो 14 इंच के जो स्क्रीन है उस पर ही आप लोग क्या दिखाने का काम करते हैं कि नया विष्णु का अवतार आ गए हैं? अरे हमारे पूरे सनातन धर्म को अपमान करने का जो हथकंडा है उसको आप लोगों ने उठा लिया है। हमारा एक ही विष्णु है, वो विष्णु हमेशा हमेशा उनको हम मानते हैं, लेकिन आज चल क्या गया है? आज जो अपने आप को ईश्वर मानता हो, जो अपने आप को पूजवाता हो, उसको कैसे दिख जाएगा दिल्ली की जनता या देश की जनता ईश्वर है? जो हमेशा देश की जनता को परेशान और गाली देने का काम करता हो उसका सहयोग देने का काम करता है, ये वही मोदी और भाजपा है जो बिरजभूषण का सपोर्ट करता है, ये वही मोदी और भाजपा है जो किसानों पर गाड़ी चलाने वाले का समर्थन करता है, ये वही मोदी और भाजपा है जो नक्सली के नाम पर जो देश के अंदर दंगा फैलाने का काम करता है उसका समर्थन करता है, ये वही मोदी और भाजपा है जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नाम पर देश के अंदर तमाम जो अराजक फैलाने वाले लोगों का समर्थन करने का काम करता है, ये वही हिंदू के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, और ये वही मोदी और भाजपा है जो हमारे गौ माता को मानने वाले लोगों को भी इन्होंने अपमान करने का काम किया है। इन्होंने कुछ लोगों को इन्होंने सैलरी बेसे पर खरीद कर गाय की मीट कटवाता है और देश के अंदर भाई और भाई से लड़वाने का काम करता है, इसको जवाब देश की जनता और दिल्ली की जनता देगी। अच्छा, क्या लग रहा है लगातार विपक्ष ये सवाल, केजरीवाल जी आते ही उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही आ रही है, तो पहले तो इस बात पे आपका क्या कहना है, सहमत है इस बात से कि तानाशाही आ रही है? इसमें सहमत और ना सहमत की बात नहीं है, केजरीवाल आज से नहीं करेगी तानाशाही सरकार है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता संभाली है तब से आम आदमी पार्टी का एक ही नारा रहा है कि इन्होंने लोगों को शोषण करने का काम किया है, उन्होंने आम आदमी का शोषण करने का काम किया है, और केजरीवाल तब से कहते आ रहे हैं जो शिक्षा की बात नहीं करता है वो कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार है, जो कर्मचारी के लिए काम की बात नहीं करता है वो तानाशाही सरकार है, जो मजदूरों के लिए उसके लिए उसके वेजेस की बात नहीं करता है वो तानाशाही सरकार है, जो नौजवान चाहे वो महिला की रक्षा की बात नहीं करता है वो तानाशाही सरकार है, उसकी बजाय उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का काम करता है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए तानाशाही सरकार है। आज मैं बात करना चाहता हूँ, केजरीवाल की बात नहीं है, आज ये रोड शो में जो तमाम जो लोग आए हुए हैं ये लोग उम्मीद भरी निगाह से आए हैं, ये लोग आए हैं सत्ता परिवर्तन के नाम पर आए हैं, ये लोग आए हैं तो केजरीवाल के अंदर उम्मीद देखते हैं, और ये लोग उम्मीद देखते हैं तो उदित राज जी के अंदर उम्मीद देखते हैं, और ये लोग उम्मीद देखते हैं तो राहुल गांधी जी के उस दूरगामी सोच को देखते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, पूरे देश में एक लौता नेता निकला है आजाद देश में जिसने दक्षिण से उत्तर तक अपने पैरों तले नाप दिया और देश की जो असली मुद्दा है उस मुद्दा को सामने लाने का काम किया, ये वही नेता है राहुल गांधी जी
और अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने पश्चिम से लेकर पूरब तक का भी पूरी आंख को नाक दिया और उन्होंने कहा मुद्दा उठेगा तो जमीन का मुद्दा उठेगा तो नौजवानों का मुद्दा उठेगा तो जातीय जनगणना के नाम पर उनकी भागीदारी का मुद्दा उठेगा तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और मुद्दा उठेगा तो यहाँ के जो लोकल जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान ये सरकार भारतीय जनता पार्टी करे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने सातों सीट भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन क्या कारण था कि आपने 5 साल का कार्यकाल जो आपने किया है उसका जो रिजल्ट वो गिनवाने की बजाय आपने कैंडिडेट को चेंज कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने पूरे 5 साल में एक भी काम नहीं किया है, काम किया है बस जनता का शोषण करने का और उसका जवाब इस बार वोट के माध्यम से मिलेगा। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि जब विपक्ष तानाशाह का नाम लेता है, तानाशाह बोलता है तो 140 करोड़ जनता जो है उनका अपमान होता है। सुनिए, अपमान मैं बिल्कुल कहता हूँ, अपमान किसका होता पता, जब मोदी जी कहते हैं ना एक तरफ हमारे भोली भाली जनता को हिंदू और मुसलमान पर लड़वाने का काम करते हैं और दूसरी तरफ जब उन्हें वोट की जरूरत पड़ती है तो वही बात कहते हैं कि मुझे मेरा जो रोजी रोटी चल रहा था मुसलमान भाइयों के साथ चलता था। वो यही कहते हैं कि मैं तो ईद मनाता था अपने त्यौहार से ज़्यादा, और जब जाते हैं वोट मांगने के लिए तब क्या कहते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। जब जाते हैं वोट लेने के लिए तब क्या कहते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, और अपना जब रोजी रोटी और सेकना होता है तो ये उनको मुसलमान भाई याद आ जाता है, उनको हिंदू भाई याद आ जाता है, और हमारे जैसे भोले भाले जो हिंदू भाई है उनको भटकाने का काम करते हैं। हम कहते हैं सशक्त बनने की बात करते हैं, आपने कितने लोगों को सशक्त किया, मैं यही सवाल तो पूछना चाहता हूं। आज देश की जनता समझ रही है कि इस तरह से वो वोट की राजनीति कर रही है। अरब कंट्री में जाते कहते मैं पठान का बच्चा हूं, और इसी देश में रहते तो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवाने का काम करते, और यहां तक तो सही है। आज यही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आज भारत के उत्तर और दक्षिण में लड़वाने का काम कर रहे हैं। आज यही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो आज नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य को आज उत्तर भारतीयों के साथ लड़वाने का काम कर रहे हैं। आज आप क्या कहना चाहते हो, आज देश को हर जगह क्षेत्रवाद के नाम पर लड़वाने का काम किया इन्होंने ही, देश के अंदर जाति के नाम पर लड़वाने का काम किया। पहले धर्म के नाम पर लड़वाते थे, आज जाति के नाम पर लड़वा रहे हैं, आज छत्र के नाम पर लड़वा रहे हैं, कल वो राज्य के नाम पर लड़वाएंगे, और आज क्या व्यापारियों और व्यापारियों के बीच में लड़वा रहे हैं। आज हो क्या गया है, हो ये गया है कि उन्होंने माफियाओं का राज उत्पन्न कर दिया, हो क्या गया उन्होंने आरएसएस का जो विचार है उसको उन्होंने उत्पन्न कर दिया, और आरएसएस का विचार क्या कहता है आपको पता है, क्या कहता है, बांटो और राज करो, और बांटो और राज करो की राजनीति चल गई जो देश की जनता स्वीकारेगा नहीं, जो दिल्ली की जनता स्वीकारे नहीं। क्योंकि मैं फिर कहना चाहूँ, उदित राज भी एक ब्यूरोक्रेट है, एक आईएएस अधिकारी है, उदित राज का सवाल यहाँ करना बहुत वाजिब बनता है कि उन्होंने समाज के लिए काम एक अधिकारी के तौर पर किया है और पूरे देश की जनता ने देखा है, और वही उदित राज ने 2014 से 2019 के बीच में काम किया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री के पद से हटाया था, जिसकी वजह से उदित राज को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पार्टी से बेदखल किया, क्योंकि उन्होंने उस नेता से सवाल पूछना कर दिया था कि मेरी जो अधिकार है वो जनता के हित के लिए है और जनता के हित के लिए कार्य करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी बड़े उद्योगपतियों के लिए काम उदित राज जी करे, लेकिन उदित राज जी ने समझौता नहीं किया। समझौता किया किसके साथ, तो दिल्ली की जनता के साथ किया, दिल्ली की आम जनता के साथ किया, और इस चुनाव में उदित राज को वोट मिलेगा दिल्ली की आम जनता से, बाहरी से नहीं। तो दिल्ली में क्या लग रहा है, गठबंधन छाने वाला है कि भाजपा ही है? देखिए, गठबंधन का जो लहर था उस लहर की डर से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के ऊपर अपने जांच एजेंसियों के द्वारा नरमी दिखाई है। लेकिन उनको ये नहीं पता, जिस दिन आपने केजरीवाल जी को जेल में डाला था ना, उस दिन दिल्ली की जनता के दिल को आपने छेदने का काम किया था, और जो दिल्ली की जनता को दिल को छेदने का काम किया, उस दिल को भरने का काम अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी के तमाम सिपाही ने किया है, और उस सिपाही ने जब केजरीवाल जब बाहर आ गए हैं तो वो दिल और ज़्यादा मजबूत हो गया, और वो दिल इतना मजबूत हो गया कि दिल्ली की सातों सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। लगता है मोदी जी कह रहे हैं कि देश मेरा वारिस है, मैं जो कुछ भी करूंगा देश के लिए करके जाऊं। मैं तो मोदी जी से कहता हूं कि अच्छा करें, जो भी काम करें अच्छा करें, बस इतना कहना। तो लग रहा है मोदी जी काम कर पाएंगे? नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं है कोई। गठबंधन जीतनी चाहिए मेरे हिसाब से, राहुल गांधी बनने चाहिए प्रधानमंत्री, राहुल गांधी। क्या कहना आपका देश को वारिस? क्या लग रहा है मोदी जी कह रहे हैं देश मेरा वारिस है उसके लिए काम करता रहूंगा? मैम, ये तो उनके तो सारी बातें जुमलेबाजी हैं, वो जो भी कहते हैं जुमला ही मारते हैं, कोई हकीकत उनके कामों में है नहीं।
उन्होंने आज तक 10 साल हो गए उनके शासन को, काम तो कुछ किया नहीं, बस बातें बातें बनाई हैं उन्होंने। लग रहा है काम कुछ नहीं किया, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि हमने 10 साल में इतना काम किया है, देश को कहाँ पहुँचा दी। बताते हैं मैम, लेकिन कोई खास काम उन्होंने पब्लिक के लिए नहीं किया, जो गरीब जनता है उनके लिए काम नहीं किया, जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े उनके व्यापारी उनके लिए काम किया उन्होंने। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हम नहीं, जनता चाहती है कि इस बार 400 पार हो। ये तो मैम देखो भ्रम फैलाने वाली बात है, ताकि लोग उनके बहकावे में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। बाकी 400 पार का जो उनका वो है ना नारा, वो बस वो ऐसे ही है, हवाबाजी है, हवाबाजी है। जी सर, आपको क्या लग रहा है, कह रहे 400 पार का जो नारा है सिर्फ हवाबाजी? ऐसा जुमलेबाजी है, झूठ है। गंगा जी के बीच में हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ये है कि गंगा जल को हाथ में लेके गंगा जी में साथ खड़े हो गया, गंगा जी के बीच में खड़े हो गया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी तो कहते हैं गंगा जी ने मुझे गोद ले लिया। कहाँ देखा आपने, कहीं देखा है? मुझे तो आज तक नहीं लिया, मेरी भी 60-62 साल की उम्र होगी, मैं भी हिंदू हूँ, वाल्मीकि कम्युनिटी से हूँ, हमें तो किसी को गोद लिया नहीं देखा। मोदी को कैसे गुजरात से मामा गंगा माँ बुला के लेके गई, देखा आपने? देखा है फिर आप कैसे, हाउ यू कैन से कि मुझे माँ गंगा ने गोद लिया है? ये जुमलेबाज है, झूठा आदमी है। अच्छा अच्छा, संविधान को लेकर सवाल उठते हैं कि मोदी जी संविधान बदलना चाह रहे हैं, इस पर क्या कहें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है, ये जनता जो देख रहे हैं ना, भीड़ जो है, यही मुद्दा है, ये आरक्षण और संविधान का मुद्दा है, जो प्रियम्बल का है उसका मुद्दा है। ये सेकुलर देश है, इस देश में सभी रहते हैं, सभी धर्म रहते हैं, तो संविधान को कैसे, हाउ यू कैन चेंज। मोदी जी अब देखिए नेहरू जी पे आरोप लगा रहे हैं, इंदिरा गांधी पे आरोप लगा रहे हैं कि संविधान जो बदलना चाह रहा था वो असल में तो नेहरू जी बदलना चाह रहे थे, और हम पे अब आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा है, जो कामचोर आदमी होता है ना, घर में चाहे बेटा हो, बहू हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, छोटा हो, वो उसके उसका काम क्या, जुमलेबाजी करना, बातों का खाना। तो मोदी जी बातों का ही खाते हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं वो, जैसे सब जनता कहते हैं, आप लोगों मीडिया से पता लगता है कि अनपढ़ मोदी जी हैं। अच्छा मोदी जी तो देखिए देश की जनता को परिवार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यही परिवार मुझे अब इस बार जिताएगा। ऐसे परिवार होता है क्या, डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, परिवार की क्या डेफिनेशन होती है? परिवार में एक बीबी होती है, एक बाप होता है, बच्चे होते हैं, उसको परिवार कहते हैं। मोदी का मेरा बाप है या जनता का बाप है? मोदी के अपने खुद बच्चे नहीं कहता मेरा, मैं किसके लिए करूंगा? तो परिवार कैसे, हाउ यू कैन से कि ये परिवार है उसका, कैसे कह सकते हैं वो परिवार है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, परिवार की डेफिनेशन मुझे आप समझा दीजिए। मोदी जी से जाके पूछिए कि परिवार की डेफिनेशन क्या होती है, क्या भूखे ये जो मणिपुर में जो हमारी बेचारी बहनें थी वो भी तो उसके परिवार की थी ना, एक वाल्मीकि जो मनीषा कांड हुआ था हाथरस में, वो भी तो इस इंडिया की बेचारी बेटी थी। फिर मोदी जी कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे परिवार वाले? इनके पास तो सत्ता है, इनके पास तो पावर है, योगी मोदी जी कहाँ थे उस टाइम पे जब बेचारी उसको लड़की को जला रहे थे, उसके साथ रेप हुआ, तो आप क्या कैसे कह सकते हैं कि वो परिवार, परिवार की डेफिनेशन तो बताइए, क्या डेफिनेशन होती है परिवार की? जुमलेबाज आदमी है। अब इनका जो है एक जब होता है ना आखिरी समय होता है, जब जब दिया जो है बुझने को जाता है ना, तो भभकता है वो, तो मोदी जी लड़खड़ा रहे हैं, भभक रहे हैं और कुछ।